दस्ट रेमेडी फॉर अ शॉर्ट टेम्पर इज अग वॉक टूडे इज ट्वेंटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के यदडी क्वेश्चन के आंसर हैं असम ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये धुबरी पोर्ट के शिवान जी चेयरमैन है आई एस आर ओ के डांसिंग डियर इज फाउंड इन मणिपुर डांसिंग डियर ये एक्चुअली ऐसी होती है यहाँ पे और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है यहाँ पर ये मिलता है डांसिंग डियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉरियन एडमिनिस्ट्रेटर सनी धाता इनको रिगार्ड किया जाता था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर की तरह प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम प्रोटोजोआ होता है और समुद्र गुप्त गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने एडॉप्ट किया था टाइटल कवि राज आज के सवाल है स्वांग इज द फेमस डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट विच कंपनी कल ही पढ़ा है हमने विच कंपनी गॉट आर बी इन प्रिंसिपल नोड टू टेक ओवर दिस बैंक? वॉट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे बाय एक्ट वर द कमर्शियल राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश किए गए थे अनेकांतवाद फैंटेस्टिक फिलोसफी होती है ये अनेकांतवाद ज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच रिलीजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्ट्रगलटीन अक्टूबर नाइनटीन ओ फोर को हम किस रीजन के कारण जानते हैं सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है अपोस्टेट। इस मतलब, इसका मतलब है वो पर्सन जिसने अबेंडन किया है किसी बिलीफ को या किसी प्रिंसिपल को जिजून इसका मतलब है टू सिंपल है या फिर बहुत नाइव है एलक्रिटी का मतलब होता है इगरनेस एंथम जोश जोश्रिटी एंथम कॉमिटी का मतलब होता है मतलब होता है वो बहुत ओपफुल है और ऑप्टिमिस्टिक है सो दीज आर समबुलरी वर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन दिस इज 82 टू लैक शॉर्ट्स इन अ डे कल 21 जून था और वैक्सीनेशन 18 प्लस के लिए सेंट्रली प्रोक्योर्ड स्टार्ट हो गई थी तो दिस रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैक्सीनेशन हुआ योगा अ रे ऑफ होप अमिट कोविड है आज हम समझते हैं इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इसमें अभी रेनोवेशन वर्क हुआ है विल गेट टू नो

अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर नए हेलीकॉप्टर्स डिक्रिमिनलाइज़ करें सुसाइड को सर्वेज लर्निंग लॉसेज मंथ एंड अमरनाथ यात्रा इस बार नहीं होगी एस एम ई अमरनाथ यात्रा वैली ये आज कॉन्सेप्ट समझते हैं हम डीलिमिटेशन का कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस डीलिमिटेशन और ये एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर में क्यों अभी कंडक्ट करने की बात है देन दिस इज़ एफ डी आई रिसिपियन एंड दिस इज ईरान के न्यू प्रेसिडेंट की पॉलिसी सी सेट के सोल्यूशन है एंड दीज आर सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट आवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस दिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दहली एडिशन सी ये जो पी डी एफ होता है ना पी डी एफ आई ट्राई टू शेयर नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग रीजन दो हैं इसके पहला रीजन तो ये है कि सपोज आपने आज वीडियो देखा सो so, अगर 24 फोर आवर्स में आप इस पी को भी अगले दिन गो थ्रू करेंगे तो रिटेंशन ज़्यादा होगा रिविजन ज्यादा होगा और दूसरा रीज़न होता है कि इफ कोई मिस्टेक या पी में आई मेक सम मिस्टेक तो मेरे पास एक विंडो होना चाहिए उस मिस्टेक को करेक्ट करने का सो दिस इज द रीज़न कि आई शेयर पी डी एफ नेक्स्ट डे आई एम ऑल्सो थिंकिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट स्टार्टेड वॉचिंग वीडियो द अदर डे सो आई एम थिंकिंग कि अब ये पी और जो इंस्टाग्राम अपडेट है मैं उसको बाय नाइट करने का कोशिश करता हूँ ओके okay? ताकि सेम डे में अपना साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ऑल राइट एंड सेकेंड थिंग ये जो मिस्टेक्स हमसे होती है ना हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है हम अगर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा प्राइड ले लेते हैं तो इससे क्या होता है वी स्लो डाउन इससे अननेसेसरी एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है और विच इज़ नॉट गुड तो द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बिकॉज जो सबसे कॉमन आप रीजन देते हो ना कि वाई यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स आप लोग ये लिखते हो बताते हो कि अभी आपको लगता है कि आंसर उतने अच्छे नहीं है गलती हो जाएगा देन वॉट ऐसा नहीं सोचना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है इट्स ऑल राइट आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो गलती हो रहा है उसको तुरंत ठीक कर लो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी इससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी बेटर होती है एफिशेंसी बेटर होती है अननेसेसरी ना हम स्लो डाउन नहीं होते दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी तो इनसे कभी भी डरना नहीं है यू राइट योर आंसर आप जैसा भी लिख रहे हो ना उसको लिखो शेयर करो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग ओके समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग सो डू समथिंग डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग थिंग ऑल राइट सो लेट अस कम बैक टू दिस फर्स्ट जो फ्रंट पेज है सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्रेशिया पेमेंट एक्स ग्रेशिया अब एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है गिवन एज अ फेवर और फ्रॉम अ सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन जैसे कोविड नाइन्टीन हुआ बहुत सारे फ्रंटलाइन स्टाफ अपना ड्यूटी करते हुए वहाँ पे दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड सो अब एक मोरल ऑब्लिगेशन बनता है गवर्नमेंट का कि वो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे कुछ कंपनसेशन दे कुछ रिलीफ दे तो इसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया अब बहुत सारे हमने लाइव इनोसेंट लाइव लॉस किया है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन बहुत सारे हमने देखा चिल्ड्रन ऑर्फन भी हो गए तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन सब केसेस के लिए कुछ एक अमाउंट एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे से फोर लाख रुपये ऐसा कोई एक नंबर अभी यहाँ पे फ्लोट हो रहा था द पॉइंट इज जो हमें यहाँ डिस्कस करना है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये फिजिबल होगा क्या ये डिसीजन लेना चाहिए इस बारे में फाइन डिटेल्स अभी गवर्नमेंट से मांगी है

ओके okay, अब इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये भी है कि फाइनेंशियली ये फीजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और कोविड नाइन्टीन क्या वन टाइम डिज़ास्टर है बिकॉज अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वेव या जूनोटिक डिसज़ का और कोई थ्रेट हुआ तो क्या इसमें एक करेक्ट अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट का भी फिजिबिलिटी देखना है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखना है और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी भी देखना है इन सब के बाद फिर ये डिसीजन होगा कि इसमें एक्सग्रेशिया पेमेंट में क्या करना है तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है डिसीजन क्या है ऑन एक्सक्रेशिया पेमेंट और जो सेंटर है वो बोल रही है कि इंडिविजुअली हम सब किसी को ऐसे पेमेंट देने के बजाय इस पैसे से हम ओवरऑल फंड्स फॉर फूड मेडिकल केयर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्सीनेशन ऐसी चीज़ें पे इन्वेस्ट करें तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं लेट अस वेट फॉर सम टाइम इस पर वैसे एडिटोरियल भी है इस पर फर्दर और बात करेंगे अपन देन रिकॉर्ड एटी टू शॉट्स गिवन इन अ डे ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कल 21 जून था 21 जून से जो वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है वो हो गया सेंटर वैक्सीनेशन प्रोक्योर करेगी सप्लाईज देगी स्टेट को और स्टेट फिर वहां पे ऐसे एडमिनिस्टर कर देंगे सो दिस इज न्यू स्ट्रैटेजी और कल 82.7 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लिया काफ़ी सारे अपने फैमिली सृजन इंडिया से भी स्टूडेंट्स ने शेयर किया काफ़ी लोगों ने जाके वैक्सीनेशन लगाया फैंटेस्टिक वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

डाउट नहीं लाना है और ऐसे यहाँ पे कॉन्स्परेसी या फिर रूमर्स इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है गो गेट वैक्सीनेटेड दिस इज दी ओनली सोल्यूशन वी हैव टू फाइट विद दिस कोविड नाइन्टीन अब मीन वैल जैसे सी बी एस सी के एग्जाम कैंसिल हुए तो इसमें भी अब ऑप्शनल रहेगा स्टूडेंट को कि अगर वो हैप्पी नहीं है जो इनका थर्टी थर्टी फोर्टी वाला जो इवेल्यूएशन पैरामीटर था तो वो स्टूडेंट अलग से अगर वो हैप्पी नहीं है तो वो अपना एग्जाम भी लिख सकता है तो ये ऑप्शन भी ओपन है विच इज़ गुड पॉइंटर टू वे अहेड अब हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि यही स्ट्रैटेजी बेटर है इंडिया के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कि वैक्सीनेशन जो है ना वो प्रोक्योरमेंट सेंटर करे सेपरेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो डिवीज़न ऑफ वर्क हो दिस इज द की टू सक्सेस फॉर द मास इनक्यूलेशन प्लानिंग हो वैक्सीनेशन का कवरेज भी इससे बेटर होगा स्ट्रीम होगा और वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी जिससे अब एक नई चीज क्या किया कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो पाएगा वरना पहले क्या हो रहा था लोग ऑनलाइन तो बुक कर देते हैं फिर वो वैक्सीनेशन सेंटर में अपीयर नहीं होते तो इससे मिसमैनेजमेंट होता था तो दिस इज़ गुड तो ये बात है वैक्सीनेशन का अब जो नेक्स्ट है वो है इंडियन ऑफिशियल्स मेट तालिबान ये कतर के ऑफिशियल्स ने बताया सी अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी हमेशा यही रही है कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं हम यहाँ पे पीस लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करते हैं अफगानिस्तान से यूएसए ट्रूप विड्रावल कर रही है अशरफ घनी है इनकी अभी गवर्नमेंट है यहाँ पे ये यह डेमोक्रेटिक लीडर है तालिबान जो है अब बिकॉज़ तालिबान से यू भी बात कर रहा है और तालिबान भी अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर बन गया है अफगानिस्तान में सो इंडिया भी प्रैक्टिकल रीजंस में बैक चैनल डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई है तालिबान के साथ भी इस बात पे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम फर्दर आगे देखेंगे बिकॉज़ ये पॉइंट भी बहुत फ्लूड है आई से रिलेटेड है इसमें अननेसेसरी बहुत जल्दी अर्ली स्टेटमेंट देना इज नॉट राइट लेट एस वेट एंड वॉच देन ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं गुड फॉर हेल्थ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी परफॉर्म कर रहे हैं योगा इंटरनेशनल डे योगा राष्ट्रीय राष्ट्रपति भवन में ये यहाँ पे योगा कर रहे हैं फेंटेस्टिक सिमिलरली ये हमारे आई के जवान हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा ऑन द बैंक ऑफ पैंगोंग सो इन लद्दाख इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में गुड योगा अ रे ऑफ होप है अमिड कोविड तो ये सोर्स ऑफ इनर स्ट्रेंथ है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा तो दिस इज योगा फिजिकल एक्सरसाइज़ सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये नेक्स्ट है फायर गट्स ये जो चीज हो रही है ना ये भी ऑन राइज है कुछ ही टाइम पहले हमने हेजार्ड देखा था और हेजार्ड कैसे डिजास्टर में कन्वर्ट होता है हमने इंडस्ट्रियल हेजार्ड भी पढ़ा था इंडस्ट्रियल हेज़ार्ड कि वहाँ पे इवेलुएशन करना जरूरी है इंस्पेक्शन करना जरूरी है मॉक ड्रिल्स करना जरूरी है फायर गर्ड्स दिस शू गो डाउन और यहाँ पे इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करना जरूरी है अदरवाइज ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत डेडली प्रूव होते हैं देन दिस इज नेक्स्ट स्टेइंग फिट और ये बात है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी एज ग्रुप में वैक्सीनेशन अब एक दूसरा पिक्चर ये भी है टॉयलिंग अवे लेबर हैं ऑन द वे टू कंस्ट्रक्शन साइट इन वेस्ट दिल्ली ऑन मंडे एम्प्लॉयमेंट देन दिस इज इंदिरा गांधी कैनाल रिपेयर अकॉम्पलिस्ड इन रिकॉर्डेड टाइम ये बड़ा अच्छा न्यूज है मैं काफी दिन से वेट कर रहा था इस इंदिरा गांधी कैनाल का दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक सी ये इंदिरा गांधी कैनाल है ना इसमें काफी पुरानी हो गई है तो डैमेज होता है लीकेजेस होता है सीपेजेस होता है तो इसको रिपेयर करना है अब रिपेयर करेंगे तो जो डाउन यहां वाला एरिया है इधर अपन ब्लॉक करके रिपेयर कर रहे हैं तो पानी का शॉर्टेज हो जाएगा इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड सिक्सटी डेज में इसको पूरा कैनाल रिपेयर किया जॉब बाय राजस्थान गवर्नमेंट इंदिरा गांधी कैनाल है ना ये स्टार्ट होती है यहाँ से जैसे ये सतलज रिवर आई ये ब्यास रिवर आई और ये आगे ऐसे सतलज जा रही है सतलज और व्यास का यहाँ पे बना हुआ है हरिके बैराज दिस इज इन पंजाब तो यहां से स्टार्ट होती है ये कैनाल फिर ये गंगा सागर जाती है ये ऐसे कैनाल होते हुए दिस गो टू दिस राजस्थान तो राजस्थान हमें पता है और ये राजस्थान का कौन सा एरिया है अरावली के ऊपर तो ये डेजर्ट वाला एरिया है यहाँ वैसे ही वाटर का बहुत स्कॉसिटी होता है राजस्थान में भी अरावली के इस साइड जो है ना एम साइड वो वैसे भी थोड़ा ठीक है बट टूवर्ड्स दिस थार डेजर्ट यहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशंस होती है तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है ना ये लाइफलाइन है इस पूरे रीजन का दिस दिस एंटायर रीजन दिस वेस्टर्न राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया से बोलते हैं तो ये जो वर्क है मेनली राजस्थान और पार्टली पंजाब में रिपेयर वर्क हुआ इसका अब सी इसकी लेंथ है साढ़े छः सौ किलोमीटर ये 1952 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ऐसे करके ये कैनाल है यहाँ पे अपसी ये जो कैनाल है ना कैनाल इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कमांड एरिया डेवलपमेंट ड्राई लैंड ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एग्रीकल्चर हम देखते हैं एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम यह है कि पानी नहीं है पानी नहीं है तो इसी पानी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है और वो पानी आता है यहाँ डैम से हर इक्के बैरात से इतना दूर इस पूरे कैनाल सिस्टम में ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक एन की ये किताब हमें कम्प्लीट करना है वी आर रनिंग लेट बट इसको जल्दी करूँगा मैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन में इसमें आगे बड़े अच्छे से इस पूरा चैप्टर दिया हुआ है इंदिरा गांधी कैनाल का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सी ये इंदिरा गांधी कैनाल का ये पूरा चैप्टर है कि इंदिरा गांधी कैनाल की केस स्टडी कमांड एरिया इंदिरा गांधी कैनाल जो है ना इसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है इस एरिया में बट इसके नेगेटिव्स भी हुए हैं नेगेटिव्स क्या हुए जैसे वाटर लॉगिंग हो जाता है जगह जगह पानी ठहरा हुआ है तो उससे मच्छर आते हैं वाटर लॉगिंग से डिसीजेज आती है प्लस वाटर अगर ज्यादा है तो वो ऐसे सीप भी हो रहा है तो सॉइल सेलिनीटी भी बढ़ी है इस जगह पे तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस चैप्टर को अभी आप एक क्विकली देखना और एन बुक का ही ये सवाल है राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हाउ डज द प्रोग्राम हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सी ये क्लास इलेवेंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्कूल के लेवल का सवाल है और कुछ ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आपके इधर मेंस में भी आएंगे दर इज नॉट वास्ट डिफरेंस नहीं है तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो आंसर राइटिंग है ना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप अचानक से ऐसे बैकफुट पर मत आइए दिस इज वेरी सिंपल अब आपने ये पढ़ा है तो आप इसको तुरंत लिख दोगे अच्छे से सो जस्ट राइट हाउ डज दिस प्रोग्राम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया पहले पार्ट में आप लिखो कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है अगेन रेफर टू दिस एनसीआर उसमें लिखा हुआ है ड्रॉट प्रोन मतलब सूखा ग्रसित जो एरिया है इधर हमको पानी लाना है डेवलपमेंट करना है ये है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम अब ड्रॉट में आपने इंडिया का जोग्राफी भी देखा है इंडिया की ज्योग्राफी में ड्रॉट प्रोन एरियाज़ कौन कौन से होते हैं जैसे ये राजस्थान का हो गया कुछ पार्ट एमपी का हो गया फिर महाराष्ट्र में ये विदर्भ तेलंगाना रीजन हो गया जो रेन शेडो हो जाता है तो दीज आर ड्रॉट प्रोन एरिया जहाँ पानी की कमी होती है फिर गुजरात में भी ये जो कच्छ एरिया है यहाँ पे भी नहीं है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है और इसने कैसे हेल्प किया है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को सी सच एन ईजी क्वेश्चन बट राइट देखने में इजी लगता है स्टार्ट राइटिंग यू विल सी द डिफरेंस ओके सो राइट दिस क्वेश्चन और इसके लिए आप एनसीआरटी भी एक बार देखना और इसमें ये जो कमांड इंदिरा गांधी कैनाल है इसका भी आप मेंशन करना सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है बीटी टी कॉपन कॉटन एडोपन शोड बेनिफिट स्टडी सी बीटी कॉटन बीटी कॉटन क्या होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं एक स्टडी ये आया एक्चुअली जो बीटी कॉटन है ना इसमें हमेशा थोड़ा डिस्प्यूट ही चला है एक सेक्शन स्टडी बोलता है कि ये फेल हो गया है एक सेक्शन स्टडी बोलता है कि ये एक सक्सेस स्टोरी है जो कॉटन होता है ना कॉटन का ऐसे दिस बॉल होती है कॉटन बॉल होती है और इसमें कई बार दिस इन्फेक्शन हो जाता है इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए पेस्ट को स्टॉप करने के लिए पिंक बॉल बन जाता है उसके लिए आता है ये बी कॉटन करके हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया तो इसमें बी टी टॉक्सिन होता है जो बनाता है बैक्टीरियम बेसिलस थुरजेनेसिस ये बी टॉक्सिन जीन जो होता है ना हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया और एक्सप्रेसड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रजिस्टेंस तो जो इन्फेक्शन है पेस्ट का उसको ये रजिस्ट करेगा तो इससे आपको इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंसेक्टिसाइड कम होगा मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया चीपर हो गया तो ये एक ऑटोमेटिकली बायोपेस्टिसाइड उसके अंदर ही बन जाता है तो दिस इज बीटी कॉटन बीटी कॉटन बेसिलस जेनेसिस नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्टडी है कि कॉटन इल्ड अप हुई है जहां जहां हमने बीटी कॉटन यूज किया और बिकॉज बीटी कॉटन यूज किया तो इंसेक्टिसाइड का भी यूजेज डिप हुआ है तो अगर इन दोनों को एक साथ मिला के देखें तो दिस इज अन विन सिचुएशन तो दिस इज गुड इसको भी हम क्लब करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पेस्ट क्या होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं जो ऐसे प्लांट्स को डैमेज करते हैं तो इनको भी किल करें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी बेटर हो सकती है इसका कमर्शियल यूज यूजेज पिछले 19 साल से अप्रूव्ड है बीटी कॉटन का जैसे ये कॉटन बॉल है है ना दिस इज कॉटन बॉल ये बॉल वर्म जो होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ये जो कॉटन है जिससे कपड़ा बनेगा वो फिर डैमेज हो जाता है तो दिस इज दिस इज़ वाई वी प्रेफर दिस बी कॉटन बट कुछ ही दिन पहले यू रिमेंबर हमने एक और न्यूज देखा था कि बीटी कॉटन का भी एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया है इसका भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन आ गया है जो अप्रूव्ड नहीं है और उससे बायोटेक के थ्रेट्स भी नजर आ रहे हैं तो ये जो बायोटेक है ना बायोटेक्नोलॉजी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन अब ये जो किताब है ये एन अगेन ट्वेल्थ बायोलॉजी की है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है इसको मैं अभी पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ इधर ये अच्छे से दिया है एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन में क्या है ट्रांसजेनिक क्या है और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एथिकल रीजंस एथिकल चैलेंजेस क्या आते हैं बायोटेक में जैसे ह्यूमंस है ह्यूमंस का क्लोनिंग कर लें या फिर डिज़ाइनर बेबीज़ वगैरह बनाने की बात आई थी तो इसमें एथिकल सवाल है बहुत ज़्यादा तो ये चीज़ आप देखना ये जो होगा इससे हम प्रिपेयर करेंगे सेकेंड क्वेश्चन सी सेकेंड क्वेश्चन होगा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसमें आप एथिकल एंगल लिखो इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है फार्मर्स पे क्या होता है कमर्शियल एंगल आप डाल सकते हो कि कैसे ओवर्ट कमर्शलाइजेशन होता है फार्मर्स का डिपेंडेंसी सॉइल पे क्या इम्पैक्ट होता है और क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्चुअली उतना डिलीवर करती है जितना प्रॉमिस किया गया है तो ऐसे आप कुछ एडवांटेजेस भी बताओ और डिसएडवांटेजेस भी बताओ कंप्लीट आंसर लिखो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन और एक बार आप इस पीडीएफ को भी क्विकली गो थ्रू करना ओके नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन अ टाइम टू गिव बिफोर दैट नोबल लॉरेट एस्टर डफलो और तमिलनाडु पैनल में एक पैनल बनाया है उन्होंने काउंसिल में रघुराम राजन जी भी हैं वो इनको एडवाइज करेगा तमिलनाडु में इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी कैसे लाए then this is editorial a time to give Let's see families who lost breadwinner ek hi person kaam karne wala tha family mein and that person is now lost because of covid 19 to family ki to austerity badh gayi hardships badh gayi need supportive policies and safety net so that is why welfare is important अभी जैसे शुरू में हमने एक्स ग्रेशिया पढ़ा ना disaster management act में compensation की बात है सरकार बोलती है lack of funds है बट ये बहुत पुअर आर्ग्यूमेंट है लैक ऑफ फंड हैं तो जो अननेसेसरी चीज़ है वहां पे आप बचत करो बट यहां बचत नहीं करो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ वॉट द गवर्नमेंट सेज अब गवर्नमेंट का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल जैसे फोर लाख रुपए पेमेंट दे हम कंपनसेशन का एक्स क्रेशिया इसके बजाय इस ओवरऑल फंड को यूज़ करें हेल्थ केयर में एनहेंस करें सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक रिकवरी में करें अफेक्टेड कम्युनिटीज जो हैं तो इससे ब्रॉडर और बिगर गोल्स अचीव हो सकते हैं अब इस आर्ग्यूमेंट में थोड़ी वैलिडिटी है इकोनॉमिक सर्वे जो बोलाता है वो बोलता है कि हायर पब्लिक स्पेंडिंग करो ढाई से तीन परसेंट जी ऑन हेल्थ पैसे ना इधर खर्च करो हेल्थ पे सरकार ढाई से तीन परसेंट जी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में करे बेटर हॉस्पिटल्स हो बेटर सर्विसेज हो बेटर आर एंड डी हो मेडिसिन अवेलेबिलिटी हो जो जो लेसन अभी हमने सीखे ना फर्स्ट और सेकेंड वेव ऑफ कोविड में इट्स टाइम कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर हो आयुष्मान भारत है बट इसमें भी जो लकुना है उसको दूर करें यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर जैसे वैक्सीनेशन हमने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया कि 18 प्लस को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन होगी दिस इज वॉट वी वॉन्ट फैमिलीज हुड विनर नीड हेल्प बहुत सारे जो ऑर्फन चिल्ड्रेन हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है सो इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प द इंडियाज पेंशन सिस्टम दूसरी बात है हमारा पेंशन सिस्टम भी वीक हो रहा है तो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसमें लो यल्ड हो रहा है आजकल सेविंग्स वगैरह में किसी कितना कम हो गया है इंटरेस्ट रेट आ ही नहीं रहा है एफ में तो ये भी इल्ड कम हो गया है ऑफिशियल पॉलिसी जो है वो अब जरूरी है कि वेलफेयर पे हम ध्यान दें लोगों के वेलफेयर पे सेंटर शुड नॉट हेजिटेट टू रिव्यू इट्स टैक्स बास्केट एज वेल जैसे हमारे यहाँ क्या होता है अगर पांच लाख रुपए से कम आपकी तनख्वाह है इनकम है तो आपको टैक्स से छूट मिलेगी फिर दस पंद्रह ऐसे जैसे जैसे पैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है इनकम तो टैक्स भी आपका बढ़ता जाएगा पांच परसेंट दस परसेंट ऐसे इंक्रीज होगा तो हम टैक्स बास्केट में जो सुपर रिच हैं उन उनपे टैक्सेशन ज्यादा लगाए और जो कम है उन जो हार्डेस्ट हेटू हैं उनको रिलीफ दे सी ये ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये होगा इक्विटेबल जस्टिस आर्टिकल थर्टी नाइन बी आर्टिकल थर्टी नाइन सी सपोज सम्बडीज से सुपर रिच मल्टी मिलियन करोड़पति एटसेट्रा उसको दस के बजाय ग्यारह परसेंट भी टैक्स लग जाएगा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना है बट जो लोअर इनकम वाला ग्रुप है जिसकी तनख्वाही से काफ़ी कम है उसको अगर थोड़ा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो उसको ज्यादा दिस कैश इन हैंड ज़्यादा बचेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमिक रिवाइवल में हेल्प होगा तो गवर्नमेंट को अभी जरूरी है इनोवेटिव सोचे इनोवेटिव सोचे और ह्यूमैनिटी सेंटर में होनी चाहिए गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी में ह्यूमैनिटी दिस इज द टाइम टू शो सम ह्यूमैनिटी देन दिस इज अ परपैचुअल वॉर ये आर्टिकल है यूएसए के बारे में USA should move should have backed Afghan government more instead of pushing hard to engage the Taliban. जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ ना डिविज़न ऐसे ही कुछ यहाँ पे बहुत हेस्टी मैनर पे यू एस विड्रॉ कर रहा है चीज़ें नॉर्मलाइज है नहीं और यू के जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा? ये बात से सब डरे हुए हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी पहले पा, इन्होंने बोला 1948 तक हम दिस विड्रॉ कर लेंगे फिर जब बाद में बात आई तो 1947 फोर्टी सेवन फिफ्टीन अगस्त आर्बिट्ररी डेट बना लिया और बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पीड से हुआ कट थ्रोट स्पीड से हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से हुआ तो उससे क्या हुआ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ उससे क्या हुआ मेहम क्रिएट हुआ और उससे इतनी सारी इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट हुई जब इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे डिवीज़न हुआ तो ये जो पॉलिसी थी ना साउथ एशिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस सब का प्रॉब्लम जो है ना एक्चुअल अगर आप सोचो ना तो प्रॉब्लम्स का जो रूट जेनेसिस है ना दैट इज दिस ब्रिटिश पॉलिसीज पुअर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश क्लियर कट इन्होंने कुछ नहीं किया केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इन्होंने सारा काम किया और इसका प्राइस हम आज तक पे कर रहे हैं तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद दिस अफगानिस्तान पहले तो यूएसए की पॉलिसी के कारण ही अफगानिस्तान में ये डिस्टेबिलिटी आई फिर यूएसए ने यहाँ पे इन्वेजन किया फिर इन्वेजन के 20 साल बाद अब बोल रहे हैं हमें विड्रॉ करना है और जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ये उसी के खिलाफ दिस दिस नेगोशिएशन भी कर रहे हैं दे जस्ट वॉन्ट दिस सेफ एग्जिट ग्रेसफुल एग्जिट दिस फेस सेविंग मेजर कर रहे हैं अब बात आती है ग्यारह सितंबर डेडलाइन इन्होंने सेट कर दिया द पॉइंट इज दे शुड हैव दिस रेस्पॉन्सिबल एग्जिट रेस्पॉन्सिबल एग्जिट तो यूएसए जो विदड्रॉ करेगा अफगान से रेस्पॉन्सिबल एग्जिट होना जरूरी है अशरफ घनी जो अभी प्रेसिडेंट है उन्होंने भी सेम चीज यही कहा अफगानिस्तान में chaos and हो जाएगा बहुत ज्यादा तो वॉर परपैचुअल मतलब जिसका कोई अंत है नहीं वो वॉर चलती जा रही है द स्टेट ऑफ इंडिया बी एक्नोल अब ये जो आर्टिकल है ना इस लीड आर्टिकल से कनेक्टेड है द स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्बी एक्नोलर मस्बी एक्नोल ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट देखते हैं इंडिया में दो इंडिया है एक इंडिया तो सुपर रिच है दूसरा इंडिया बेसिक बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है तो ये एक गैप है कोविड नाइन्टीन के कारण ये गैप और वाइडन हो गया है अब देखना कोविड में एक सेक्शन है जिसने खूब पैसे बनाए दूसरा सेक्शन है वो दो दिन का खाना भी उसको नसीब नहीं हो रहा है तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नोलज एब्जेक्ट पॉवर्टी है जो हम सबका एक कॉमन एनिमी है ना किसी भी सेक्शन का किसी भी ग्रुप का किसी भी एरिया का वो है ये पॉवर्टी अगर कोई रियल एनिमी है तो डेट रियल एनिमी इज दिस पोवर्टी गरीबी इकोनॉमी को अगर रिपेयर करना है तो एब्जेक्ट पोवर्टी को ध्यान देना जरूरी है और इसके लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए और प्लानिंग के लिए चाहिए मेटिकुलस डेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आता है वो ये है कि वी डोंट हैव डेटा डेटा ही नहीं है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कलेक्ट करेक्ट कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल कोविड नाइन्टीन का अगर एक्चुअल डेथ नंबर हमें पता नहीं है तो आप उनको रिलीफ मेजर्स कैसे दोगे आपने बोला फोर लाख ,00 रुपये पर पर्सन देंगे एक्स ग्रेशिया बट यू डोंट इवन हैव द नंबर हु हु ऑल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस कोविड सो द पॉइंट इज नंबर एंड डेटा आर इम्पोर्टेंट सिमिलर इज विद दिस पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन बोलती है दो डॉलर पर डे से अगर किसी की इनकम कम है दो डॉलर से तो वो गरीब है और ये पोवर्टी राइज हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव का डेटा बोलता है मॉल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है मोर्टैलिटी बढ़ रही है मटर्नल हेल्थ पुअर हो रही है एस के पैरामीटर्स में भी कुछ जगह पे हम पुअर हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हंगर वॉच स्वान और सेवरल अदर सर्वे भी यही चीज बता रहे हैं दो में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी रिपोर्ट में बोला आठ पर कैपिटा पर मंथ रूरल इंडिया में हज़ार पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरिया में इससे नीचे जो है वो गरीब है और ऐसे गरीब हमारे यहाँ पच्चीस दशमलव सात परसेंट पॉपुलेशन है इस बात पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ फिर सी रंगराजन कमेटी आई सी ये जो गरीबी है ना हमने इंडियन इकोनॉमी की क्लास एलेवेंथ की बुक में पढ़ा है कि लक्ड़वाला कमेटी आई ऐसे बहुत सारी कमेटीज आई बट हर बार हम फेल हो जाते हैं टू आइडेंटिफाई दिस नंबर कि हु ऑल आर एक्चुअली पुअर पोवर्टी को कैसे डिफाइन करें पोवर्टी क्या केवल नंबर्स में होनी चाहिए पोवर्टी क्या उनका न्यूट्रिशनल या फिर एक बास्केट लें गुड्स की जो सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं पोवर्टी को रूरल और अर्बन में कैसे डिफाइन करें डिफ़रेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी हम कैसे पोवर्टी देखें ये आइडेंटिफिकेशन हमेशा से चैलेंज रहा है न्यूट्रिशनल बेस्ड हो या इनकम हो पर कैपिटा हो या फैमिली वाइज देखें तो जैसे सी रंगराजन कमेटी आई अब 2011 के बाद 14 में आई इसने एस्टिमेट किया कि नंबर ऑफ पुअर 29.6 परसेंट है जैसे सौ में से 29 लोग गरीब हैं पर्सन जो सैतालीस रुपए पर डे सिटी में और बत्तीस रुपए पर डे विलेज में जो स्पेंड कर रहे हैं इससे कम इस नंबर पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ सो द पॉइंट इज ये थ्योरीज आती रही हैं और हर किसी ने ट्राई करने का कोशिश किया है पोवर्टी को आइडेंटिफाई करने का द पॉइंट इज़ पोवर्टी एग्जिस्ट एंड वी नीड फिजकल एंड लीगल सपोर्ट बहुत सारे लोग हैं ना वो इस नंबर्स में आते ही नहीं है ये उनतीस परसेंट है बट पॉवर्टी इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है सो वॉट वी नीड इज़ वेलफेयर एक्यूरेट एंड अकाउंटेबल डेटा नेसेसरी है इनइवालिटी इज ऑन राइज रिच तो सुपर रिच होते जा रहे हैं उनका बिलियन मल्टी मिलियन हो रहा है और यहाँ पे बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही है तो आर्टिकल थर्टी नाइन बी एंड आर्टिकल थर्टी नाइन सी इंप्लीमेंट करने का टाइम है मार्जिनलाइज्ड पुअर है और क्या होता है कुछ जो लोग होते हैं वो बॉर्डर लाइन पोवर्टी में होते हैं अब बिकॉज कोविड आया लॉकडाउन लगा एन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है सारा बिजनेस बैठ गया तो वो दे आर पुश्ड सेवरल मिडिल क्लास इनकम पीपल आर नाउ पुश्ड इन टू दिस एब्जेक्ट पोवर्टी कोविड पैंडमिक तो इन सब चीज़ों को देख कर एक अगर कम्प्लीट हॉलिस्टिक पिक्चर देखें तो गवर्नमेंट को वेलफेयर मेजर्स लाने चाहिए फिर यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं डिबेट चार्ल्स बुथ ने सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन में कहा था एब्जेक्ट पोवर्टी सब ह्यूमन लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है ऑफ फेलो इंडियंस कंटिन्यू नहीं कर सकते बेसिक्स भी वो अपने पूरे नहीं कर पा रहे सो वॉट वी नीड इज गवर्नमेंट वेलफेयर इज जरूरी और आइडेंटिफिकेशन इज जरूरी काउंट द नंबर्स नंबर्स करेक्ट हो ताकि नंबर्स के अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो तो दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नोलेज इसको एक्नोल करना जरूरी है दिस इज अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर बिफोर दैट ये है इन द द रोड अहेड ऑफ ईरान ये नए प्रेसिडेंट है और सुप्रीम लीडर है अयोतुल्ला खामिनी ये नए प्रेसिडेंट है अब प्रेसिडेंट है तो अभी जैसे हम वर्ल्ड लीडर्स भी देखें बाइडन बिफोर प्रेसिडेंट डिफरेंट पर्सन थे जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने वो डिफरेंट पर्सन बन गए तो सिमिलर चीज़ होनी चाहिए इन राइसी के साथ भी बिकॉज यू नो एक बार उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं ना प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की चुनाव जीतने के लिए लीडर्स अलग भाषण देते हैं बट जब एक बार वो जीत जाते हैं तो फिर वो जो फ़ॉरन पॉलिसी होती है ना वो मोरो मोरोलेस हर लीडर सेम ही रहता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी में भी ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आना चाहिए कंटिन्यू होना चाहिए जो पहले जैसे चल रही थी टूवर्ड्स अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर और इसीलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पैक्यूलेशन नहीं करना चाहिए लेट्स वेट फॉर सम टाइम इनके स्पीचेस देखते हैं पॉलिसीज देखते हैं देन वी विल टॉक टूवर्ड्स अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर बात है टैक्स कलेक्शन और कोऑपरेशन का स्टेट्स के पास दिस पैसे की कमी है तो सेंटर कैसे टैक्स डिवोल्यूशन करें ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अ केस टू डी सुसाइड इंडिया में इसको भी एक क्राइम बना दिया था जिसको डीक्रिमिनलाइज करना जरूरी है इट इज टाइम फॉर इंडिया टू रिपील सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी और स्ट्राइक इट डाउन दिस इज नेसेसरी बिकॉज इफ अ पर्सन इज डूइंग दिस देन दैट पर्सन नीड हेल्प इंस्टेड ऑफ आप उसको क्रिमिनल यहाँ पे डिक्लेयर कर दो पेस अप बट माइल्स टू गो कोविड वैक्सीनेशन आर्मी नए लेरी है दिस हेलीकॉप्टर्स इंडिजिनस है दिस दिसंबर 2022 को ये आर्मी की एविएशन यूनिट है ऐसे ना नेवी की भी खुद की एक एवियशन यूनिट होती है आर्मी की भी एविएशन यूनिट होती है जो छोटे मोटे इनके जो डिमांड है रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देती है और जो डेडिकेटेड एविएशन यूनिट है दैट इज दिस एयरफोर्स योगा अ रे ऑफ होप अमिड कोविड देन दिल्ली हाई कोर्ट रिजर्व ऑर्डर सी डी एस चेयर कर रहे हैं थिएटर कमांड्स हम भी अब क्या कोशिश कर रहे हैं स्विफ्टनेस लाने की जरूरत है अंडमान निकोबार जैसे सेपरेट कमांड बना दिया लैंड का एक सेपरेट बना दिया मैरीटाइम बना दिया सो थिएटर कमांड्स होंगे ना तो क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों एक साथ एक साथ इन सिंक काम कर पाएंगी लॉजिस्टिक्स जो है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा एफिशिएंसी होगी सो so, अभी जो बात चल रही है वो थिएटर कमांड्स की लेट्स वेट फॉर अ मंथ मोर इसमें एक बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट आने वाले हैं अभी सर्वे ऑन लर्निंग लॉसेज बाय मंथ एंड पैनल ने बताया सर्वे लर्निंग जो आउटकम है वो कम हुआ है उस पर सर्वे होगा मंथ एंड तक ये सर्वे भी आ जाएगा इसको फिर से बात करेंगे हम देन एन एच आर सी दिस इज गंगा पॉल्यूशन अमरनाथ यात्रा इस बार नहीं हो रही है अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इकोनॉमिक कॉस्ट पे करना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर वाई बिकॉज टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे इकोनॉमी को हेल्प मिलती है बट अगर जम्मू कश्मीर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहती थी फिर दूसरा यहाँ पे कभी वेदर साथ नहीं दे रहा है कभी कोविड नाइन्टीन जैसा अभी इस बार थ्रेट हो गया तो इससे क्या होता है इकोनॉमी टूरिज्म और ये सारे सेक्शन यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं और इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ जाती है देन प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट अवे क्लैरिटी एडवांस में आएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वे करे राशन वरना तोलने में भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है अक्सर राइसी राइसी है न्यूक्लियर टॉक के लिए रूल्स आउट बाइडन मीड कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना है ईरान की पॉलिसी में मोरोलेस सेम ही चलेगी अर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर विन्स मेजोरिटी इन पोल डिस्पाइट एंगर ओवर वॉर दिस इज हॉन्गकॉन्ग उस ने फिर बोला है लेटेस्ट सी गाजाइल इज इज ब्लॉकेट अब इसराइल क्या करता है जैसे ये गाजा स्ट्रिप है तो इसराइल की जो नेवी है वो यहाँ पे ब्लॉकेट लगा देती है तो जो गाजा है वो गाजा के जो मतलब इस स्ट्रिप के जो लोग है वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो फलस्तिनियन ड्राइवर है जिस ए क्रॉसिंग दिस रफा ऑन दिस मंडे तो दिस इस इज इस इसराइल इस इस एंड गाजा अब सी नीड टू सपोर्ट हाउस होल्ड एस एम ईज ऑन ब्रिंग हाउस होल्ड एंड एस एम ईज ऑन ब्रिंग दिस इज द टाइम टू वेलफेयर दिस इज द टाइम टू हेल्पिंग हैंड आगे ऑफर करना स्पेंडिंग बिकॉज क्वीज हो गई है पैसे सारे उनके इलाज और इस खर्चे में सारे पैसे चले गए तो नाउ दे नीड सर्टन हेल्प तो गवर्नमेंट शुड स्टेप इन दिस डायरेक्ट स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए विस्तार अर्ज इज यूनिफाइड नॉर्म्स फॉर वैक्सीनेशन इज जरूरी निशान ने मैगनाइट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है भारतीय और टाटा पार्टनर 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस लाने की ट्राई कर रहे हैं अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा 5G में अभी टाइम लगेगा देन दिस इज रिटेल टू बी नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होगा रिलायंस के लिए विंडफॉल ट्रेजरी गेन हुआ विंडफॉल का गेन क्या होता है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ना आर ने पैसे दे दिए सर गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को विंडफॉल गेन हुए विंड फॉल गेंच सी एल हायर कर रहा है कोरिया वियतनाम ताइवान सो दिस इज़ बिजनेस न्यूज़ कल मैच हो ही नहीं पाया इंग्लैंड में हमेशा बारिश हो जाती है और मैच होता नहीं है देन दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस दिस इज अमरनाथ यात्रा कैंसिल हुई है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक में देन दिस इज़ गवर्नमेंट बैंड स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स ये जो ई कॉमर्स कंपनीज़ होती है ना इन पे मोनोपोली का एक चार्ज लगता है और दूसरा एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिस का जैसे आप मोबाइल्स देखो वो इतना डिस्काउंट दे देते हैं एक्सचेंज ऑफर दिस ऑफर दैट ऑफर तो जो रिटेल वाले शॉपकीपर्स हैं वो तो कॉम्पिट ही नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन मॉडल से सो दिस इज वाई दे अक्सर कंप्लेन कि दिस फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हैं देन दिस इज एफ एफ अभी फिर से एक्शन लेगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा स्टेज इन ग्रे लिस्ट अंडर स्कैनर है पार्लियामेंट्री पैनल आपने नोट बनाया था ना पार्लियामेंट्री पैनल का पार्लियामेंट्री पैनल मीटिंग कर रहा है ग्लेशियर्स में उत्तराखंड डिजास्टर हुआ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस ग्लोबल क्लाइमेट राइज क्लाइमेट का दिस ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग स्ट्रीम लाइन रिसर्च एंड वार्निंग सिस्टम रिसर्च पे ध्यान दें जैसे हमने एक ब्लैक कार्बन भी पढ़ा था ब्लैक कार्बन के जो सूट होता है दिस काला सूट ये ग्लेशियर पे ऐसे बर्फ पे ऐसे जम जाता है तो उससे क्या होता है अल्बिडो कम होता है और मेल्टिंग स्पीड अप हो जाती है दिस इज ऑल्सो वन रीज़न तो रिसर्च पे स्ट्रीमलाइन करें और वार्निंग सिस्टम हो ताकि हमें कुछ एडवांस में आवर्स पहले पता चल जाए कि फ्लड टाइप सिचुएशन पॉसिबल है तो हम एटलीस्ट इवैक्यूएट कर पाए एन एच आर सी एडिटोरियल पेज में दिस इज़ फुल राइट ऑन ऑल टेम्पल रिचुअल्स दिस इज ऑन द टेबल जम्मू एंड कश्मीर नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे स्टेक होल्डर्स अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी स्टेबिलिटी प्रोस्पेरिटी ये सब चीज लाने का ट्राई करें प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट पोस्ट कोविड कैपिटल कैपिटलिज्म है अलॉन्ग साइड प्रॉफिट मोटिव इट मस्ट प्लेस कमिटमेंट टू गिविंग बैक गिविंग बैक और इसी से क्या आइडिया आया है इसी से आया है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर बिकॉज कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते जा रहे हो जब सोसाइटी को जरूरत है तो यू शुड गिव बैक टेकिंग अ न्यू टर्न इन वैली वैली में है कश्मीर पलिस पाकिस्तान की नर्वसनेस देन दिस इज लिमिटेड विक्ट्री और ये एक्सप्रेस नेटवर्क है डीलिमिटेशन अब इसको हम देखते हैं इसमें भी हम अभी हमारे कॉन्टेक्सट की बस चीज देखेंगे कि वॉट इज डिमली डीलिमिटेशन बाकी ये डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आने देते हैं फिर उसके बाद में आगे देखेंगे कि क्या इसके चेंजेस हुए अभी स्पेकुलेशन करना इज नॉट राइट वॉट वी शुड नो इज वॉट इज डीलिमिटेशन अब सी हम देखते हैं विधायक होता है और एक सांसद होता है तो सांसद एक क्षेत्र से चुना गया है तो वो क्षेत्र कैसे डिफाइन होगा ऐसे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्युवेंसीज बनाने हैं हमें ऑल ओवर इंडिया राज्यों में भी हमें कॉन्स्टिट्युवेंसी बनानी है और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक पैरिटी भी होनी चाहिए पैरिटी से पॉपुलेशन वाइज एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और पॉपुलेशन का वहाँ पे क्या डेमोग्राफी भी है कि कैसी वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं तो इस इट इट इज कॉल्ड डीलिमिटेशन तो व्हाट इज़ डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन चेंज हुई तो टाइम टू टाइम डीलिमिट करो और कॉन्स्टिट्युए जो हैं वो एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एक्सरसाइज होती है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा उसका जो ऑर्डर है इस कमीशन का ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट इस पर सवाल आया था कि ये एक फोर्स ऑफ लॉ है और डीलिमिटेशन ने जो डिसीजन दिया है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में ऑब्जेक्टिव इज टू री ड्रॉ बाउंड्री बाउंड्री बनाओ कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्षेत्र ऐसा है ये ऐसा है कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग इन अ वे पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स जितनी सीट्स हैं और एज फार एज प्रैक्टिकेबल है वो थ्रू आउट द स्टेट एक पैरिटी आ जाए असाइड फ्रॉम चेंजिंग द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूवेंसीज कुछ बड़ी हो जाती हैं कुछ छोटी हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन पॉपुलेशन और कई बार नंबर्स भी बदल जाते हैं कि कितनी कॉन्स्टिटुएंसीज हैं वहाँ पे तो ये होता है डीलिमिटेशन अभी ऐसा ही कुछ डीलिमिटेशन करने की बात है जम्मू एंड कश्मीर में ये होने देते हैं बाकी अब इसमें इससे पहले भी हुआ है दिस इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज टाइम टू टाइम होता है बाकी पॉलिटिकल वी शुड नॉट फोकस राइट नाउ What we should know, delimitation, the concept of delimitation. Okay. Taking a new turn in valley, no policy surprise from Raisi. See, Abraham Raisi, new president Iran, president elect. kuch zyada changes नहीं होने, because ये जो policy है, वो in the end mirror तो supreme leader Ayatollah Ali Khamenei का ही होगा. तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा changes नहीं आएंगे. But again, it would be better अगर यहाँ पे peace का अगर first priority मिले. ईरान और सऊदी के बीच में पीस हो ईरान और इसराइल के बीच में पीस हो और ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय यूएसए के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए इससे क्या होगा ईरान के जो सेंक्शन हैं वो लिफ्ट होंगे अगर ईरान के सेंक्शन लिफ्ट होंगे तो हम आराम से यहाँ से तेल आयात कर सकते हैं इम्पोर्ट हमारा आसान हो जाएगा हम वापस चाबार पोर्ट में एक्टिव हो जाएंगे रेलवे लाइन में एक्टिव हो जाएंगे तो इंडिया को बेनिफिट होगा अगर ईरान में पीस एंड स्टेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर आता है देन दिस इज़ अबाउट फिल्म सर्टिफिकेशन में गवर्नमेंट चेंजेस लाने की बात कर रही है ये ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया इन इंडिया सिंस 2014 ये जितने भी प्रोफाइल्स हैं ना इनको भी आई हैव सीन सिंस बिगनिंग जब फेसबुक एकदम नेसेंट था ट्विटर भी नेसेंट था व्हाट्सएप आया ही था इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था यूट्यूब भी इट वॉज नॉट दैट पॉपुलर फेसबुक तो आई डोंट यूज ट्विटर जो है ना ट्विटर में जितने लोग ट्रिगर्ड दिखते हैं ना एक्चुअल में वैसा होता नहीं है सो डोंट टेक दैट सीरियसली ट्विटर का जो पॉजिटिव साइड है ना केवल हमें उसको देखना है व्हाट्सएप जो होता है ये होना चाहिए वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन के लिए बिटवीन पीपल एंड दिस दिस फेक मैसेजेस फॉरवर्ड्स एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड इंस्टाग्राम में लोग जितने हैप्पी सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और यूट्यूब में दिस इज अबाउट न्यूज सेंसेशन विडियोज एंड ऑल यूट्यूब सो द पॉइंट इज सोशल मीडिया को भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस इंटरनेट के बाहर भी जो दुनिया है उसको आप नेग्लेक्ट मत करो ओके द वर्ल्ड इथोपियंस हैं प्रेसिडेंट इथोपिया में अभी चुनाव हुए फर्स्ट फ्री इलेक्शंस हुए हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं ईरान के मालदीव्स में अभी नए केसेस आ रहे हैं कोविड नाइन्टीन के काफ़ी ज्यादा और दिस इज अबाउट इन्फोसिस एम सी ए ट्वेंटी वन जी एस टी एन पोर्टल इशू है यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट रेसिपियन रहा है एफ डी आई का ट्वेंटी ट्वेंटी में चौसठ बिलियन यहाँ पे आए

ओवरऑल ग्लोबल एफ फ्लो कम हुआ है अगर पूरे वर्ल्ड को एज अ होल देखें देन पोर्टफोलियो पी हाउस प्राइस इंडेक्स भी अनिवन है डिफरेंट सिटीज में सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अब हम देखते हैं दिस वेर इज हिंदी आर्टिकल ये सी सेट सोल्यूशन के बाद है तो सी यहाँ पे भी जैसे आर्मी में देखा था ना तो कुछ होते हैं गैर कमीशन रैंक के एंट्री और कुछ होते हैं जूनियर कमीशन और फिर एक होता है ऑफिसर रैंक अगर गैर कमीशन वगैरह देखें तो जैसे ये एयर क्राफ्ट्स है देन प्रमुख एयर क्राफ्ट है कॉरपोरल है सार्जेंट है और जे मास्टर वारंट अधिकारी वारंट अधिकारी एंड दिस जूनियर वारंट अधिकारी ये इनकी ऐसी रैंकिंग है तो दिस इज अबाउट जे एनलिस्टेड है ये जूनियर कमीशन अधिकारी और गैर कमीशन रैंक इसके बाद फिर अगेन जैसे एस में होता है एस से आप थ्रू जा रहे हो तो यहाँ पे आपकी ऑफिसर रैंक स्टार्ट होगी ऑफिसर रैंक में फ्लाइंग ऑफिसर पहला रैंक मिलता है फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आप प्रमोशन बन के बनते हो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट फिर बनते हैं हम स्क्वाड्रन लीडर स्क्वाड्रन लीडर फिर बनते हैं विंग कमांडर देन ग्रुप कैप्टन देन एयर कमोडो एयर वाइस मार्शल एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल और जैसे हमने आर्मी में फील्ड मार्शल देखा था ना ऐसे यहाँ पर वायुसेना के मार्शल होते हैं तो ये मतलब फाइव स्टार रैंक होती है ऑनररी रैंक होती है ये तो दिस इज़ द रैंकिंग फ्लाइंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन कॉमोडोर एयर वाइस मार्शल एयर मार्शल चीफ एंड देन मार्शल एयर वायुसेना के मार्शल तो ये रैंकिंग है अब इसमें भी एक बार हम एक फाइनली एक पैरिटी वाला भी देखेंगे कि आर्मी नेवी और दिस एयरफोर्स इसमें नाम अलग अलग है बट सेम रैंक के ऑफिसर्स होंगे यहाँ पे जैसे एयर चीफ मार्शल इज इक्विवेलेंट टू चीफ ऑफ आर्मी या नेवल स्टाफ जो एडमिरल है तो इस टाइप से

नंबर आ गया प्रेजेंट एज का इनको इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू फाइव आ गया तो x इज इक्वल टू फाइव है तो b कितना हुआ 2x एक्स दैट इज टेन ईयर्स ये सब सवाल ना टिप्स में होने चाहिए विद इन मिनट्स आपको सॉल्व करना है देन थर्ड क्वेश्चन में मदर का एज x है डॉटर का y है समेशन 56 दिया है चार साल बाद अब यहाँ पे आफ्टर लिखा है ना तो प्लस करना है बैक होता तो माइनस होता एक्स प्लस फोर वाई नया इक्वेशन बना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू डॉटर का एज ट्वेल्व मदर का एज फोर्टी फोर अब आज के सवाल है रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस है मार्क्ड आउट बाय पेंटिंग थ्री ऑफ इट्स साइड रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस है एरिया निकालना है अनपेंटेड साइड नौ फिट है सम ऑफ द लेंथ ऑफ पेंटेड साइड सैंतीस फिट है सो वॉट इज द एरिया ऑफ द पार्किंग स्पेस इन द स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट में मतलब फीट स्क्वायर में आपको एरिया बताना है गुड क्वेश्चन सोल्व इजी सेकेंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लाट प्लॉट है ट्वेंटी मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ लेंथ ऑफ ब्रेथ का रिलेशन दिया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट है इतना पर मीटर इतना दिया हुआ है तो वाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर पैरामीटर वगैरह निकालिए यह कॉस्ट भी दिया हुआ है इक्वेट करिए यू विल गेट दिस आंसर रेक्टेंगुलर फील्ड है इज टू बी फेंसड ऑन थ्री साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ ट्वेंटी फीट अनकवर्ड इफ द एरिया ऑफ द फील्ड सिक्स एटी स्क्वायर फीट है हाउ मैनी फीट हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड ओके दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो भी थोड़ा और टाइम चाहिए दिस सेपरेट सीरीज स्टार्ट करने के लिए बट बिफोर दैट में इसका फॉर्मुलेज और एक बेसिक एक बुक है वो मैं भी कुछ ही दिनों में शेयर कर दूंगा ओके सी सेट ईजी लगेगा उसे बट फॉर टाइम बिंग ट्राई टू पुट सम एफर्ट सोल्व समथिंग एवरी डे तो ये आजकल हम आज हमने देखा दिस इज़ यू एन इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट एफ डी आई ये इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स ले टाइम टू गिव दिस इज इम्पोर्टेंट बायोटेक और दूसरा इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी कैनाल सो दिस इज़ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ